दोस्तों कल से जो नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट होने जा रहा है ये सिर्फ ट्रेडर के लिए नहीं बल्कि एक इन्वेस्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यदि आपने अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पर ठीक से मैनेज नहीं कर रखा है, यदि आपने कुछ ऐसे स्टॉक्स बाय कर रखे हैं जो कि आपकी पूरी कैपिटल को ख़त्म कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलना है और किन पांच बड़ी खबरों के ऊपर मार्केट आपको रिएक्ट करते हुए देखने को मिलेगा, उसको हम इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि क्या निफ्टी के लेवल अगेन आपको 14,000 रुपये तक भी जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। सबसे पहले अगर इंडियन इंडाइसेस की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें इंडियन इंडाइसेस अगेन यहाँ पर पीक देखने को मिले थी, सेंसेक्स के अंदर अगेन हमें 1.5% की गिरावट देखने को मिली थी और निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें लगभग 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली थी। चलिए वन बाय वन सभी बड़ी अपडेट्स को कवर करते जाते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो मार्केट को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है वो है रशिया और यूक्रेन की वॉर। जी हाँ दोस्तों, रशिया और यूक्रेन की वॉर थमने का नाम नहीं ले रही है और कंटिन्यूसली हमें यहाँ पर वॉर की सिचुएशन और ज़्यादा अग्रेसिव होते हुए देखने को मिल रही है। इसी बीच हमें यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट आते हुए देखने को मिली थी कि रशिया ने यूक्रेन के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उस पर भी वहाँ पर गोली बारूद बरसाए हैं, जिसमें आग लगने का वहाँ पर खतरा है। लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि जो वो 6 रिएक्टर्स है उस पर किसी प्रकार का कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं, लेकिन अगर पड़ता है तो यूक्रेन पहले ही चेतावनी दे चुका है कि ये रशिया के लिए ही नहीं, यूक्रेन के लिए ही नहीं बल्कि पूरी यूरोपियन कंट्री के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। भाई सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ऑयल के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लास्ट वीक यही ऑयल के प्राइसेस हमें लगभग $118 पर बैरल तक भी जाते हुए देखने को मिले थे, और इसी प्रकार से अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स लाइक एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स जैसे कुछ मल्टीवेगर स्टॉक्स आपको बुरी तरीके से मार्केट में क्रैश होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप बाकी सेक्टर भी देखोगे तो वहाँ पर भी हमें ऑयल के प्राइसेस का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि रॉ मटेरियल में हमें ऑयल का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है, जिस कारण से इसका एक सीधा इम्पैक्ट हमें इंडियन इंडाइसेस के ऊपर भी देखने को मिलता है। आपको पता होगा कि भारत बहुत ज़्यादा यानी कि ऑलमोस्ट 70-75% ऑयल का इम्पोर्ट करता है, और इसी कारण से अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो यहाँ पर इन्फ्लेशन का खतरा भी और ज़्यादा बढ़ते हुए हमें देखने को मिलेगा। यूएसए का इन्फ्लेशन डाटा भी यहाँ पर रिलीज़ होने वाला है और अगेन वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ ऑयल प्राइसेस की बात कर रहे हैं, तो मई 2012 के बाद में हमें हाईएस्ट यहाँ पर ऑयल के पर बैरल के प्राइसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ऑयल के प्राइसेस पर भी आपको नज़र बनाए रखनी है, ये भी मार्केट को काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट्स के बारे में जो कि है स्टेट इलेक्शन रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, 10 मार्च के दिन हमें जो स्टेट्स हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड के असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। रिजल्ट जैसे भी निकल कर आएंगे लेकिन स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट का इम्पैक्ट हमें मार्केट के ऊपर भी देखने को मिलता है, तो यहाँ पर इन रिजल्ट के ऊपर भी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि अगर रूलर पार्टी के अगेंस्ट में अगर रिजल्ट निकल कर आते हैं तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें मार्केट के ऊपर देखने को मिल सकता है, तो ये चीज़ भी मार्केट को हिट कर सकती है और इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ग्लोबल डाटा का पॉइंट्स उसके ऊपर भी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि फरवरी मंथ के जो यूएसए के और चाइना के इन्फ्लेशन नंबर्स निकल कर आएंगे वो बहुत ज़्यादा हिट करते हैं इंडियन इंडाइसेस को। तो यदि जनवरी मंथ के अकॉर्डिंग यूएसए का फरवरी मंथ का इन्फ्लेशन डाटा अगेन रिकॉर्ड तोड़ निकल कर आता है तो यहाँ पर यानी कि इंडियन इक्विटी बाजार के ऊपर भी उसका हमें काफ़ी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। यूएसए का इन्फ्लेशन डाटा पिछले 40 साल के रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर चुका है जनवरी महीने में, और यहाँ पर जिस प्रकार के एक्सपेक्टेशन है कि FOMC की जो मीटिंग होने वाली है 16 और 17 मार्च को, वहाँ पर भी अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं तो अगेन यहाँ पर हमें इंडियन मार्केट के ऊपर प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगली अपडेट की बात कर लें तो रिलेटलेस सेलिंग प्रेशर बाय FIIs। मार्केट में जब से FII आए हैं तब से लेकर अभी तक इतनी बड़ी
बिकवाली हमें FII की तरफ से कभी देखने को नहीं मिली। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बिकवाली हमें FII की तरफ से देखने को मिल रही है कंटिन्यूसली। अक्टूबर 2021 से लेकर रिसेंटली यानी कि मार्च तक FII कंटिन्यूसली मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ पैसा निकाल रहे हैं। अभी तक FII लगभग 2,00,000 करोड़ से भी ज़्यादा का माल अक्टूबर 2021 से लेकर मार्च तक बेच चुके हैं और ये अभी तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। वहीं अगर DII की बात करें तो सिर्फ DII ने ही यहाँ पर मार्केट को संभाल रखा है। लगभग 1.38 लाख करोड़ रुपीज़ की खरीदारी अभी तक DII मार्केट से कर चुके हैं। लेकिन अगर DII भी मार्केट से पैसा निकालते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिल सकता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि FII इक्विटी बाजार से पैसा निकाल के बॉन्ड में लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो रिटर्न है वो इक्विटी बाजार से काफ़ी अच्छे उन्हें देखने को मिल रहे हैं। वहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इकोनॉमिक डाटा। जी हाँ दोस्तों, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन डाटा फरवरी मंथ का 4th of March रिलीज हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा हिट करने वाला है मार्केट को। चलिए ये तो बात हो गई मार्केट से जुड़ी 5 बड़ी अपडेट्स के बारे में जिसके ऊपर आपको मार्केट कल से रिएक्ट करते हुए देखने को मिलेगा। अब बात करें कुछ ग्लोबल मार्केट की तो यूरोपियन स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं पूरे यूरोपियन मार्केट की धज्जियां उड़ चुकी है। डैक्स की बात करें, FTSE की बात करें, सभी जगह हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है यूरोपियन मार्केट की। ये हाल है रशिया का, मार्केट पूरी तरीके से बंद पड़ा है। 8 मार्च को रशिया का मार्केट हमें खुलते हुए देखने को मिलेगा और यहाँ पर माफ़ करिएगा 9 मार्च को हमें रशिया का मार्केट खुलते हुए देखने को मिलेगा और यहाँ पर जैसे ही मार्केट खुलेगा अगर रूबल अगेन क्रैश मारता है तो उसका भी एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें इक्विटी बाजार के ऊपर देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी भले ही कितनी पॉजिटिव न्यूज़ इंडिया के अंदर निकल कर आ जाए लेकिन इंडिया का बाजार अभी पूरी तरीके से ग्लोबल मार्केट के बाजार के ऊपर डिपेंडेंट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 9 तारीख के दिन जैसे ही रशिया का बाजार खुलेगा उस पर भी आपको निगाह बनाए रखनी है कि मार्केट खुलता है तो रूबेल अप जाता है या फिर अगेन बड़ी क्रैश हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। अमेरिका बाजार की भी बात करें तो अमेरिका बाजार पर भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। हालांकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें अमेरिका के बाजार में एक रिकवरी आते हुए देखने को मिली थी जो कि IT सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन यहाँ पर आपको ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। वहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात करें तो रिसेंटली जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस निकल कर आ रहे हैं वो 115 पर बैरल डॉलर यहां पर निकल कर आ रहे हैं और ये प्राइस अगर अगेन हाइक होते हैं तो लॉजिस्टिक बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और ट्रांसपोर्ट अगर महंगा होगा तो आपकी डेली यूज़ में आने वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको हिट करेगी। यूक्रेन की तरफ से रिसेंटली एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है कि उन्होंने रशिया के 11,000 रशियन ट्रुप्स को यहां पर किल कर दिया है यानी कि मार दिया है रशिया सैनिकों को। तो यहां पर चीज़ें अभी भी बिल्कुल भी थमी नहीं है, चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट होते हुए हमें देखने को मिल रही है और इसी कारण से एक्सपर्ट का कहना है कि आपको निफ्टी 50 के लेवल अगेन 14,000 रुपये तक देखने को मिल सकते हैं। तो लेवल्स क्या रहते हैं वो देखना तो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ही, लेकिन साथ ही साथ निफ्टी बैंक के कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे वो है 34,000 रुपये का निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट रहेगा और निफ्टी 50 की बात करें तो 15,800 रुपये का सपोर्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन दोनों सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और आप अपने पोर्टफोलियो को कुछ इस अकॉर्डिंग डिज़ाइन करिए कि सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक्स ही वहाँ पर एड ऑन करते जाइए। ऑलरेडी अगर आप किसी स्मॉल कैप कंपनी के अंदर इन्वॉल्व हैं, काफ़ी अच्छे मुनाफे में हैं तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर हो सकते हैं। अगेन जब वो आपको नीचे के लेवल पर मिले आप अगेन वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।